इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। कोई क्वेश्चन आपके पास, प्रूव दैट द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस एट पॉइंट 0 0 फॉर द कर्व वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ आपको दिया हुआ है कि समीकरण जो है, इक्वेशन जो आपके पास है कर्व की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, दोनों साइड में आप x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस पावर आ जाएगी 2 इंटू एक्स अपॉन ए, तथा डी टू वाई बाई डी एक्स के आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन ए। आप जानते हैं वो टेंजेंट साई होता है dy by dx, तो यहाँ आपने और dy by dx आपके पास कितना है m प्लस 2 एक्स अपॉन ए, एक यदि आप एलसीएम ले लोगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस am। तो रो आपके पास होता है, फार्मूला है रो का, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन y2। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो रो आपके पास आ जाएगी, रो इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस am बाई a का होल स्क्वायर और सारे की पावर 3 बाई 2। y2 की वैल्यू है 2 बाई a, तो हमने y2 का मान 2 बाई a रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आपने हल किया तो ये आपके पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस am का सारे का स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 3 बाई 2। ये 2 नीचे और a ऊपर चली जाएगी तो ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर। वहाँ से अगर a आपने कॉमन निकाला तो a की पावर आपके पास 3 नीचे आ जाएगी, तो ये a की क्यूब से a कट जाएगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा। तो रो इज इक्वल टू, आपने इसको हल किया मूल बिंदु के ऊपर, तो रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 2 ए स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो एक की क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ए बाई 2 1 प्लस एम स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3 बाई 2। मूल बिंदु पर टेंजेंट साई इज इक्वल टू एम, तो कोस साई हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई का रूट, क्योंकि सेक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। तो वहाँ से अगर आप मान निकाल लोगे सेक्स स्क्वायर का तो कोस क्या होता है 1 अपॉन सेक होता है, तो उस यहाँ से आपके पास कोस साई का मान आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जीव्या की लंबाई होती है 2 रो कोस साई, तो रो का मान आपके पास है a बाई 2 1 प्लस एम स्क्वायर सारे की पावर 3 बाई 2, इसको 2 से गुणा कर दिया और cos i का मान आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा तो a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से आपने कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस ज्ञात कर लिया। इसी तरह आप कर सकते हो, प्रूव दैट दैट पॉइंट ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट विच पास थ्रू द ओरिजिन आर गिवन बाय द इक्वेशन एफ थीटा प्लस एफ डबल एस थीटा इज इक्वल टू 0। माना पी जिसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा कर्व पर कोई बिंदु हैं तथा उनका जो कर्वेचर है वक्रता वक्र जिसका केंद्र C है मूल बिंदु से जो गुजरता है, बिंदु P पर आपका जो रेडियस और कर्वेचर जो बिंदु N पर मिलता है P बिंदु से C से गुजर कर जो लाइन जा रही है आपकी, ये N पॉइंट पर काटती है पी पर आपने स्पर्श रेखा खींची उसका नाम पी टी कर दिया। तो ये एंगल जो है ओ पी और ओ टी के बीच में एंगल जो होता है वो होता है साई फाई होता है,
ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल साई होगा, पी टी ए साई हो जाएगा इस साइड में जो एंगल है। तो जो आपकी रेडियस, ये जो आपकी ओ पी जो लाइन है, ध्रुवांतर जो रेखा है, इसका क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा है तो ओ पी इज इक्वल टू आर हो गए। तो पी एन, पी एन आपने निकाला टू रो, पी एन इज इक्वल टू टू रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो सी पी इज इक्वल टू रो है। तो ट्रायंगल पी ओ एन में ओ पी इज इक्वल टू पी एन साइन साई, तो आर इज इक्वल टू टू रो साइन साई। टेंजेंट फाई होता है आर डी थीटा बाई डी आर, तो इज इक्वल होगा ये आर आर वन, आर 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 अपन आर वन होता है गलत, तो आर वन क्या होता है डी आर बाई डी थीटा। टेंजेंट साइन फाई हो गया आर अपन आर स्क्वेयर प्लस आर वन का स्क्वेयर का रूट। रो का फार्मूला आपको पता है, रो इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर वन का स्क्वेयर सारे की पावर थ्री बाई टू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस टू आर वन का स्क्वेयर माइनस आर आर टू। ये वैल्यू हमारे पास है, ये आप ये सारी वैल्यू रख दें तो ये आप इसको जब आपने सोल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर टू आर वन का स्क्वेयर माइनस आर आर टू इज इक्वल टू टू आर स्क्वेयर प्लस टू आर वन का स्क्वेयर। आर यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर प्लस आर आर टू इज इक्वल टू जीरो। आर कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि आर रेडियस जीरो हो नहीं सकता, तो आर प्लस आर टू इज इक्वल टू जीरो। आर का मान एफ थीटा है तो ये लिख सकते हो आप एफ थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू जीरो, और ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका आ जाएगा।